दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल का आर्ट्स क्या होता है और आर्ट्स का आपके चैनल पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसका साइज क्या होता है, आप उसे बनाएंगे कैसे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप अपना जो आर्ट्स है उसे कैसे बना सकते हैं, जो यूट्यूब बैनर होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप किसी के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, जैसे कि आपने कोई वीडियो देखा और आप डायरेक्टली वहाँ से उसके चैनल पर जाते हैं और विजिट करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर की तरह एक बैनर होता है जिसे हम YouTube आर्ट्स बोलते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में लिखा हुआ मिल जाता है कि इसमें किससे रिलेटिव यहाँ पर जो यूट्यूबर्स है वो वीडियो बना रहा है, और आप उससे रिलेटिव आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम के हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और आपको उससे रिलेटिव वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप बार बार देखते हैं और आपके काम में भी आते हैं। तो यही चीज़ जो है YouTube आर्ट से पता चलता है, जहाँ पर हम अपने डिटेल के बारे में फिल करते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा, तो यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर YouTube का साइज़ क्या होता है और यहाँ पर आप बनाएंगे कैसे, ये सब मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको सब लाइव करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको यहाँ पर अपने चैनल पर यूट्यूब का आर्ट्स ज़रूर लगाना चाहिए, जो बैनर होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके चैनल पर। कोई भी आपके चैनल पर विजिट करेगा तो उसको देखकर उसे समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं YouTube के चैनल आर्ट्स की बात करूँ, उसका साइज़ क्या होता है। जैसे कि मैं आपको स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूँ, तो यहाँ पर जो YouTube का साइज़ है जो कि अपडेट होकर यहाँ पर जो कि 2560 और इंटू 1440 पिक्सल का आप बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर 6 MB तक आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो साइज़ होता है बहुत ही स्टैंडर्ड होता है ये। फ्रेंड, अगर आप अपने YouTube आर्ट्स के लिए कोई मिनिमम साइज़ से बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको साइज अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2048 इंटू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1152, तो ये मिनिमम फाइल साइज़ है। मगर यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर आर्ट्स बना रहे हैं तो इसके लिए जैसे कि आप कंप्यूटर पर अगर इसे सेट करते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर कुछ अलग दिखाई देगा और मोबाइल पर कुछ अलग, तो यहाँ पर कुछ साइज़ अलग होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर अपना आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं जो बैनर बना के, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर साइज़ के लिए एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको साइज़ एडजस्ट करते समय वहाँ पर आपको साइज़ 1540 और इंटू 427 या 423 को आपको वहाँ पर पिक्सल में सेट करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पर उसे सेव करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जब ये अपलोड कर देंगे तो वहाँ पर आपको मोबाइल पे भी जब आप खोलेंगे, वहाँ विजिट करेंगे, अपने चैनल पर जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको जो आपका लोगो है, जो आर्ट्स है बैनर, तो वो आपको क्लियर दिखाई देगा और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा यहाँ से कहीं साइज से कटेगा नहीं, ना ऊपर से कटेगा, तो आपको फिक्स एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन आप उसे मैनुअल कोई भी साइज दिए बगैर यहाँ पर यूट्यूब के चैनल का बनाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कट जाता है और आप जो आपके यूट्यूब आर्ट्स है वो फिक्स नहीं आता है और कटा फिटा दिखता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपके YouTube लोगों की बात करूँ तो उससे भी आपके चैनल पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई वीडियो आपके YouTube चैनल पर आकर देखता है तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो डालते हैं तो आपका जो लोगो होता है चैनल पर लगा हो उसको भी देखकर यहाँ पर जो आपके नए वीडियो देखने वाले जो ऑडियंस हैं वो आपके से कनेक्ट होते हैं और आपके जो वीडियोस देखते हैं, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आपके चैनल का एक ब्रांड भी बनता है यहाँ पर, और साथ ही आप अपने चैनल की अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। और यहाँ पर लोगों की साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 800x800 पिक्सल साइज़ का आपको बनाना चाहिए, लेकिन आप अगर यहाँ पर कुछ अलग बना लेते हैं तो वहाँ पर भी आप उसे सही से सेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अपने यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर आर्ट्स बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ डिटेल से। आप लाइव देख सकते हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। आप अपने अनुसार उसके आइकन वगैरह फिक्स कर सकते हैं, जो भी आप वहाँ पर देना चाहते हैं या जो भी आप बताना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल में आप किससे रिलेटेड वीडियो बता रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी आप फिक्स कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के लिए आर्ट्स बनाने के लिए जो बैनर है उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगी, जो कि आपको डार्क में यूज करनी है। जैसे कि आप ब्लैक भी ले सकते हैं, डार्क ब्लू ले सकते हैं, या आप जैसा चाहें वैसे इमेज ले सकते हैं। डार्क में क्या होता है, आप क्लियरली उसमें जब कुछ लिखेंगे तो आपको दिखेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जब मैं आपको आर्ट्स बना के दिखाने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं सब आपको डिटेल से बताऊँगा आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, आपको कैसा बना सकते हैं, तो आप अपने अनुसार भी और उसमें चेंज करके यूनिक बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड, मेरा नाम है सुमेंद्र मौर्य। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जो यूट्यूब टिप्स, कंप्यूटर, मोबाइल से जुड़ी हुई वीडियोज़ होती हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं।
Thank you.